Hi guys, I'm Keshav Madpani. I welcome all of you again to 12 Minutes to GLAAD. In this particular session, I'm going to discuss a complete strategy on how to start and how to move ahead in your GLAAD 25 preparation. First of all, before starting, I would like to congratulate everybody who is starting their preparation well in advance because GLAAD is an exam जहाँ पर आपको प्रिपरेशन को समझने में भी काफी टाइम लगता है। अगर आपको पता है कि आपका एग्जाम शायद 3 महीने बाद है तो हमें उतनी सीरियसनेस नहीं आएगी। तो जो जो भी क्लैट 25 एस्पिरेंट्स हैं, उनको ये पता है कि उनका एग्जाम ना दिसंबर 2024 में होगा, जिसमें बहुत ज्यादा टाइम है अभी। तो अगर हम अभी उसको प्रिपेयर करेंगे ना तो आधा अधूरा सा कुछ करके छोड़ देंगे, फिर बीच में टाइम वेस्ट करेंगे। माई सिंसियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस एग्जाम इज दैट वेन यू आर स्टार्टिंग द प्रिपरेशन फॉर दिस एग्जाम अर्ली, यू शुड अपियर फॉर द फर्स्ट एग्जाम ऑल्सो। जैसे क्लैट 24 इज गोइंग टू हैपन इन दिसंबर 23, अगर आप अपनी क्लैट 25 की प्रिपरेशन भी पहले स्टार्ट कर रहे हो ना तो एक क्लैट 24 के एस्पिरेंट की तरह करो, ताकि आप लोगों को ये बेसिक चीज़ें समझ में आ सके कि भाई एग्जाम को होता कैसे। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम किया है, अ लॉट ऑफ देम हैव बीन टू टॉप 3 टॉप 5 इंटरव्यूज ऑल्सो ये पर्टिकुलर टेक्निक को यूज करके। क्या टेक्निक है ये? क्लैट 25 का एस्पिरेंट अगर क्लैट 24 तक अपनी काफ़ी अच्छी तैयारी करे तो वो क्लैट 24 के लिए अपियर हो सकता है पूरी तैयारी के साथ। क्लैट 24 में अपियर होकर वो बोलेगा कि सर हम तो एलिजिबल ही नहीं है, इवन इफ आई गेट अ गुड रैंक इन क्लैट 24 मेरे को तो कोई कॉलेज नहीं मिलेगा, जो कि सही बात है। लेकिन क्लैट 24 देने से आपको ना एग्जाम डे प्रेशर समझ में आएगा। मोस्ट ऑफ द गुड स्टूडेंट ऑल्सो हु आर नॉट एबल टू डू टू वेल इन देयर एग्जाम, द रीजन फॉर दैट इज कि उनके पास कोई टारगेट नहीं होता ठीक सा, और वो एग्जाम डे प्रेशर पे बहुत ज्यादा सकम कर जाते हैं। एग्जाम डे प्रेशर उनको समझ नहीं आता, इतने सारे बच्चे, बहुत सारे लोग एग्जाम दे रहे हैं, सब लोगों को कुछ ना कुछ ज्यादा आता होता है और हम उस प्रेशर में अच्छा एग्जाम नहीं दे पाते, वो एग्जाम डे को डील नहीं कर पाते। आप ऑलरेडी 1 साल पहले उस एग्जाम डे को डील करके आओगे, आपको समझ में आ जाएगा कि आप कहाँ कहाँ गलती करते हो एंड वेयर डू यू वॉन्ट टू इम्प्रूव। दैट इज गोइंग टू बी वेरी क्रूशियल फॉर योर एग्जाम एंड कीप दिस इन माइंड कि अगर आप क्लैट 25 के एस्पिरेंट हो, आपने अगर अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करी है, क्लैट 24 शुड बी योर फर्स्ट टारगेट। Learn from the mistakes you make in that exam and don't repeat them in 25. 100% guaranteed success hai agar CLAT 24 se CLAT 25 mein transition aap lete ho apni galtiyon se seekh ke. Now let's understand this subject wise, because I'm assuming ki aap log shayad abhi 10th standard ka exam diye ho, 11th mein bhi aa gaye ho, hai na, wahi wale aap students ho jo preparation mein bilkul idea nahi ki hum kaise karenge. So for your understanding, I think you would know ki 5 subjects hai yahan pe, 3 heavy reading subjects hai, which is English, critical reasoning and legal reasoning. एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको बहुत ही कंसिस्टेंटली रोज करना पड़ेगा, विच इज करंट अफेयर्स एंड जीके, और एक मैथ्स आता है 10 नंबर का, जो कि आपको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम थोड़े थोड़े टॉपिक समझने पड़ेंगे और करने पड़ेंगे। पर्टिकुलरली फॉर द रीडिंग सेक्शंस, 150 में से 100 मार्क्स के क्वेश्चंस रीडिंग सेक्शंस में से आते हैं, तो ये सेक्शंस को धीरे धीरे स्ट्रांग बनाना बहुत जरूरी है। एट दिस पॉइंट इन टाइम कंसिडर योर सेल्फ कि आप जीरो पे भी नहीं, शायद माइनस में कहीं हो व्हेन इट कम्स टू रीडिंग। हमने कभी भी बहुत ज्यादा स्कूल टाइम में बैठकर रीडिंग नहीं की है, मोस्ट ऑफ अस हैवंट डन इट। By reading, I don't mean reading novels and all. I mean जो generally हम लोग newspaper पढ़ना या फिर जो basic अलग अलग किताबें भी होती है generally वो पढ़ना, most of us have not been avid readers. But इस exam की requirement ये है कि अगर आप avid readers भी नहीं हो तो कुछ particular sources आपको read करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं. First source and the foremost source is newspapers. अभी से आदत डालो, The Hindu या फिर The Indian Express में से कोई भी एक newspaper every single day read it. Take a 21 days challenge. अगर आप 21 दिन तक रोज न्यूज़पेपर को विदाउट फेल पढ़ पाओगे, आपकी आदत बन जाएगी। आपको पहले टाइम लगेगा, हो सकता है कि जो न्यूज़पेपर है उसको पढ़ने में आपको 2 घंटे भी लग जाएं, गुड पॉसिबिलिटी ऑफ दैट ऑल्सो, राइट? तो उसमें टाइम धीरे धीरे कम होगा, शुरू में वो टाइम उसको प्रिपरेशन को दो। एक सिंपल सी बात है, चाहे कोई क्लैट 24 के लिए प्रिपेयर करे या 25 के लिए प्रिपेयर करे, स्टार्टिंग के 2-3 महीने रहेंगे वो स्ट्रगल। अगर वो स्ट्रगल से आप गुजर जाओगे ना पहले ही अपनी जर्नी में, इट विल मेक द एंटायर जर्नी लेटर वेरी इजी फॉर यू। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कि शुरू का वो स्ट्रगल का टाइम छोड़ना नहीं है कि नहीं यार अभी तो नहीं हो पा रहा, बाद में सोचेंगे, बाद में करेंगे, वो सब नहीं करना है। अभी से न्यूज़पेपर्स पढ़ना शुरू करो। मैं रोज अपने टेलीग्राम चैनल पर हेडलाइंस भेजता हूँ, टेलीग्राम का लिंक मैंने दे रखा है आपको डिस्क्रिप्शन में, उन हेडलाइंस को ही पढ़ो, सिर्फ पूरा न्यूज़पेपर मत पढ़ो, लेकिन ठीक से द हिंदू की वो हेडलाइंस को, मतलब हेडलाइंस के अलावा ऑब्वियसली वो आर्टिकल्स को भी ठीक से आपको पढ़ना पड़ेगा। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग दैट कम्स इन दीज पर्टिकुलर एग्जाम्स इज लीगल रीजनिंग। अब लीगल रीजनिंग कैसे करें? लीगल रीजनिंग के ना बेसिक कॉन्सेप्ट समझने पहले आपको, कि जैसे कुछ कॉन्ट्रैक्ट लॉ, टॉर्ट लॉ, क्रिमिनल लॉ, यू नो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, ये इनके बहुत सारे आपको वीडियोज यहाँ पर मिलेंगे। मैं आपको अपने चैनल पे भी, आप इन प्लेलिस्ट में जा सकते हो जो आपको 12 मिनट्स टू GLAAD पे ही मिलेगा, बट जनरली ऑल्सो यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ बुक्स दैट टॉक अबाउट दिस, राइट? तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपको एक बार आ गए ना तो आप स्टार्ट कर सकते हो अपनी प्रिपरेशन को। अब ये तो हो गया कॉन्सेप्ट, अब हम लोग स्कूल की प्रिपरेशन कैसे करते हैं?
कॉन्सेप्ट्स पहले खत्म करते उसके बाद में प्रैक्टिस या एग्जाम देने जाते हैं। अब दैट विल बी वेरी डिफरेंट व्हेन इट कम्स टू योर क्लैट प्रिपरेशन, क्योंकि क्लैट प्रिपरेशन कैसे काम करती है कि ये हमें स्कूल की तरह नहीं है कि हमको बस कुछ प्रैक्टिस करने की तो जरूरत नहीं पड़ी, टीचर ने पढ़ाया याद किया एग्जाम में लिख दिया। यहाँ पर 100 नंबर का मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि सिर्फ प्रैक्टिस बेस्ड है सब कुछ, तो वो प्रैक्टिस बेस्ड है तो उसमें प्रैक्टिस डेली लेवल पे करनी पड़ेगी। यू विल हैव टू स्टार्ट डूइंग अ लॉट ऑफ मॉक टेस्ट विद इन 3 weeks ऑफ योर प्रिपरेशन। आपको अगर 20-22 दिन हो गए ना प्रिपरेशन करते हुए तो आप अपनी मॉक टेस्ट को शुरू करो धीरे धीरे। इवन दो आपके 150 में सोचते हैं 20-25-30 नंबर ही आए, लेकिन समझ तो आएगा कि कितने आ रहे हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग टू राइट द मॉक टेस्ट गो फॉर द पास्ट ईयर पेपर्स। 2020 से 2023 तक 4 पेपर्स अवेलेबल है, उन पेपर्स को पहले करो। उन पेपर्स को करने के बाद में मॉक टेस्ट भी करने लग जाओ। अब कहाँ से करें मॉक टेस्ट, मैं आपको ऑफलाइन आपके घर पे मॉक टेस्ट डिलीवर करवाऊंगा। गो टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, यू विल ऑल्सो गेट अ फ्री मेंटोरशिप सेशन विद मी अलॉन्ग विद दिस मॉक टेस्ट सीरीज। ठीक है, ये 15 मॉक टेस्ट की सीरीज है जो ऑफलाइन हम लोग करेंगे बिकॉज एग्जाम ऑफलाइन होता है। सो आई विल सेंड दोज मॉक टेस्ट सीरीज अलॉन्ग विद द आंसर कीज एंड यू कुड से दी ओएमआर कीज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ओएमआर में मार्क करके भरना, एग्जाम एक्सपीरियंस आपको घर पे बैठे मिल जाएगा एट अ वेरी डिस्काउंटेड चीप रेट। राइट, मैं भी आपसे मिलूंगा क्योंकि मेरे को पता है कि इस पर्टिकुलर सेशन से बहुत सारे स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम सॉल्व होगी, बट कुछ कुछ डाउट्स फिर भी रहेंगे। उस सेशन में वो डाउट भी आप मेरे से पूछ लेना, विच इज अ फ्री मेंटरशिप सेशन विद दिस, सो दैट प्रॉब्लम वुड बी सॉर्टेड। वन मेजर प्रॉब्लम दैट अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हैव क्वेश्चंस अबाउट इज करंट अफेयर्स। सर करंट अफेयर्स कैसे करें, करंट अफेयर्स अभी से करें या 24 में करें, क्योंकि हम तो 25 देने वाले हैं। 24 अब हमें याद होना चाहिए कि हमें 24 देना है। ठीक है, अगर आप अच्छे सीरियस एक्चुअली एस्पिरेंट हो तो 24 दो, इट इज गोइंग टू बी वेरी यूजफुल फॉर यू। तो आप अभी से करंट अफेयर्स के बेसिक्स अगर नोट्स बनाना शुरू करोगे ना, तब आपको 25 में जाके प्रॉब्लम नहीं आएगी। हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ा हमारा जनरली माइंडसेट थोड़ा प्रोक्रेस्टिनेटिंग सा होता है, तो आगे बढ़ाते रहते हैं चीज़ों को और वो गोल पोस्ट को शिफ्ट करते हैं, वो गोल पोस्ट कभी पहुंच नहीं पाते। फिर 25 भी आ जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि डिसंबर 24 कब आ गया। तो इसीलिए स्टार्ट नाउ, स्टार्ट स्लो। नोबडी इज आस्किंग कि आप दिन में 5-5, 8-8 घंटे दो, दिन में 2-3 घंटे तो दे सकते हो ना, है ना। तो वो अगर दोगे थिंग्स विल बिकम वेरी स्विफ्ट वेरी इजी फॉर यू। करंट अफेयर्स को डेली बेसिस पर करो, है ना। करंट अफेयर्स के लिए मैं एक फ्री क्लास लेता हूँ 9:15 PM पर अनअकैडमी पे, आप उस पर भी आ सकते हो। ठीक है, यू कैन अंडरस्टैंड सर्टेन वेरी इंपॉर्टेंट इशूज, आपको नोट्स कैसे बनाते हैं वो समझ में आएगा, किसी टॉपिक्स में क्या क्या कवर करना होता है वो चीज़ें समझ में आएंगी, कैसे किसी चीज़ का बैकग्राउंड समझते हैं वो सब समझ में आएगा। सो अभी जो स्टार्टिंग फेज है ना आपका, वो ऐसे धीरे धीरे कोशिश करो कि उसमें इंप्रूव कर सको। यू कैन ऑल्सो टेक अ सब्सक्रिप्शन ऑन अनअकैडमी इफ यू लाइक माई टीचिंग स्टाइल देर। आई टेक अ लॉट ऑफ क्लासेस इन प्लस एन आइकॉनिक ऑल्सो देर। ठीक है, जो कि अनअकैडमी की सब्सक्राइब क्लासेस होती है, आप मालपानी कोड यूज करके विल गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट ऑन अनअकैडमी। यू कैन स्टार्ट अ प्रिपरेशन राइट अवे विद दैट। एक सब्जेक्ट आता है मैथ्स। मैथ्स सब लोगों की ऑलमोस्ट स्कूल में खराब रही है, तो मैथ्स से भागते हैं और हमें लगता है 15 ही नंबर का है, तो 15 नंबर में तो हम क्या ही कर लेंगे ना। तो 15 नंबर का मैथ्स भी बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है। ठीक है, इट इज़ वेरी रेलेवेंट फॉर यू टू डू मैथ्स ऑल्सो। बहुत बेसिक टॉपिक्स आते हैं। मैंने रिसेंटली एक वीडियो बनाया कि हाउ टू गेट 15 and 15 इन मैथ्स, प्लीज़ वॉच दैट वीडियो। वो आपको इस पर्टिकुलर चैनल की स्ट्रैटेजी प्लेलिस्ट में मिलेगा। यू विल गेट कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग कि कौन सी बुक्स चाहिए, कैसे प्रैक्टिस करना है, कैसे शेड्यूल बनाना है, सब उसमें दे रखा है। तो प्लीज़ ट्राई टू यूज दीज वीडियोज टू द बेस्ट ऑफ योर कैपेबिलिटीज एंड वर्क रियली रियली हार्ड। If there are any doubts, mention that in the comment box. I will look forward to meeting you in that free mentorship session that you take along with your mock test also. Thank you so much, guys. If you like these sessions, please subscribe to this channel, share the videos, and thank you so much. Keep smiling.